हेलो गाइस, सबको स्वागत है क्रिप्टो एसटीडी चैनल पे। तो जो मेरे चैनल पे पहली बार आए, प्लीज गाइस डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर वीडियोस अबाउट ब्लॉकचेन, क्रिप्टो करेंसी और फ्रीडम्स। सो लेट्स गो टू द वीडियो गाइस। हाय दोस्तों, आज बहुत दिन के बाद मैं फिर आप लोग के पास में हाजिर हुआ हूँ बी नेटवर्क का थोड़ा अपडेट देने के लिए। तो गाइस, मेरा थोड़ा काम था इसलिए मैं बिजी था गाइस। तो चलिए आज हम लोग बात करेंगे बी नेटवर्क का जो अपडेट आया है रिसेंटली। तो देखिए, 4 मिलियन यूजर्स व्हेन इज थर्ड रेट हैल्विंग। बी नेटवर्क हैज़ रजिस्टर्ड ओवर 4 मिलियन यूजर वर्ल्ड वाइड ऑन 8 फरवरी 2021, द 10th वीक सिंस आवर ग्लोबल लॉन्च। ये बोल रहा है बी नेटवर्क को, बी नेटवर्क 4 मिलियन माने 40 लाख यूजर वर्ल्ड वाइड हुआ है फेबररी 8 को 2021 को, और ये होने में 10 सप्ताह लगा जब ये लॉन्च हुआ था ये ऐप। सिंस वी हैव कम्प्लीटेड आवर माइलस्टोन्स ऑफ सेकेंड रेट हैल्विंग ऑन 9 जनवरी 2021 आफ्टर क्रॉसिंग द 1 मिलियन यूजर मार्क, इन 1 मंथ्स टाइम वी हैव नाउ ऑलरेडी अचीव्ड 40% ऑफ आवर अपकमिंग माइलस्टोन फॉर थर्ड रेट हैल्विंग। ये बोल रहा है हम लोग ने, माने ये ऐप जो बोल रहा है, सेकेंड हेल्पिंग कंप्लीट किया था जनवरी 9 को 2021 आफ्टर क्रॉसिंग 1 मिलियन यूजर मार्क। एंड फिर उसके बाद इन 1 मंथ्स टाइम वी हैव नाउ ऑलरेडी अचीव्ड, माने ये बोला है 1 महीने फिर वो कंप्लीट होने के बाद 1 महीने के बाद 40% ऑफ आवर माइल स्टोन फॉर, माने 40% बाकी है थर्ड रेट हेल्विंग होने के लिए। अब वही पाई जैसा हो जाएगा। Let's share with us your thought on our social media pages for how long it takes for us to hit the 10 million user mark. ये बोल रहा है कि इसका जो सोशल मीडिया है, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम या हुआ फेसबुक पेज, जहाँ भी है, तो 10 मिलियन यूजर होने में कितना टाइम लगेगा ये पूछ रहा है। मेरे हिसाब से ये 6 महीने में पाई का जो माइलस्टोन है ना, वो सब क्रॉस कर देगा, क्योंकि ये बहुत वायरल है बी नेटवर्क, सबको मालूम है, क्योंकि ये शायद दिसंबर समथिंग में स्टार्ट हुआ ना, नवंबर या दिसंबर, हाँ, तो मान के चलिए 4-5 महीने में इसने इतना अचीव करके दिखाया है जो पाई नेटवर्क को अचीव करने में लगभग 2 साल, माने 2 साल पार ही लगा है। तो हम लोग आराम से बोल सकते हैं कि बी नेटवर्क या पाई को जीत भी सकता है या पाई का बराबरी कर सकता है। तो यही था गाइस अपडेट पाई का, मैंने बहुत दिन के बाद आज वीडियो बनाया आप लोग के लिए। और जिसने पाई नेटवर्क का माइनिंग छुटाया है, स्पोर्टर माइनिंग, आई बॉक्स क्रिप्टो करेंसी जिसको हम लोग बोलते हैं अल्फा भी, उसका माइनिंग छुटाया है, तो सबका लिंक गाइस ये वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, मैंने सबका लिंक डाला हूँ, आप क्लिक करके जिस जिस में आप लोग छुटाए हैं वहाँ जाके माइनिंग कीजिए गाइस। क्योंकि अब जो ऑलरेडी जो क्रिप्टो करेंसी बाज़ार में है उसको खरीदना पड़ता है गाइस, आप लोगों को भी मालूम है, सबको मालूम है ना। तो अगर ये लोग फ्री में क्रिप्टो करेंसी दे रहा है, अगर ये लोग का मेननेट जो वैल्यू है लॉन्च हो जाएगा, तो हम लोग जिस जिस में जो जो क्रिप्टो करेंसी लॉन्च हो जाएगा मार्केट पे, तो जो कॉइन हम लोग के पास है उसका तो पैसा हम लोग को फ्री में मिल रहा है, तो फ्री का अपॉर्चुनिटी क्यों छोड़ेंगे गाइज। थोड़ा सा भी टाइम देना है, उसके बाद कुछ मिल रहा है तो उस ऑब्वियसली लेना चाहिए। और इसका भी, ये बी नेटवर्क का भी जुड़ने के लिए लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है गाइज। तो यही बोलने के लिए आया था मैं, बी नेटवर्क बहुत अच्छा है पाई नेटवर्क जैसे ही है, और पाई नेटवर्क से भी अच्छा है मैं तो यही बोलूँगा, क्योंकि इसका जो स्पीड रेट है जो पाई को भी पीछे छोड़ रहा है, क्योंकि इतना जल्दी ये इतना अचीव कर रहा है, इट्स नॉट अ जोक गाइस। 10 मिलियन यूज़र इसका माने 1 साल के अंदर होने वाला है या क्रॉस भी हो जाएगा शायद, तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है बी नेटवर्क के तरफ से। तो हम लोग इसको भी पूरा सपोर्ट देंगे और आशा करेंगे कि जब भी ये दोनों, ये सब भी क्रिप्टो करेंसी मार्केट में लॉन्च हो जाएगा तो हम लोग को अच्छा खासा बेनिफिट दे जाएगा। तो गाइज आज के लिए यही था ये, अगर ये वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो लाइक कर देना एक तो, और सब्सक्राइब कर देना गाइज क्रिप्टो एसटीडी को। तो मिलते हैं फिर दूसरा वीडियो पे गाइज, तब तक अपना ख्याल रखना, बाय, सी यू, टेक केयर।